एक्सक्यूज मी, हाँ जी, वहाँ पर आपने मेरा बिल क्यों पे किया? मैं तो आपको जानता भी नहीं। आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप वो डी ब्लॉक 71 में रहते हैं ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं अभी कुछ टाइम पहले ही वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसमें हिम्मत वाली क्या बात थी, आप मुझे डायरेक्ट भी आके बात कर सकती थी, ऐसी कोई खास बात थी नहीं। बट अगर आपने इतनी हिम्मत कर ही ली है तो क्या हम कॉफी पर चल सकते हैं, अगर आप फ्री हो तो? हाँ, चल सकते हैं, लेकिन ना मैं यहाँ सामान लेने आई हुई थी, तो पहले मुझे सामान लेना पड़ेगा, फिर घर जाना पड़ेगा। हाँ तो कोई ना, मैं भी तो घर ही जा रहा था, साथ में चलते ना मेरी गाड़ी में। ओके, चले, चलो सामान ले लेते हैं। वेयर इसका टोटल कट? ओह शिट, मैं तो पैसे घर ही भूल आई। क्या हो गया, मैं कर देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। नहीं, आप क्यों रो गए? अरे घर ही तो जा रहे हैं, घर जाके आप दे देना मुझे। ठीक है। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। अरे थैंक यू किस बात का, मुझे तो खुद यहीं पे आना था। अच्छा, वो जो आपने पैसे दिए थे ना, वो मैं अभी आपको लाके देता हूँ, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। सही है भाई, देखा मैंने अभी, भाभी अच्छी है बहुत। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 5 मिनट पहले तो मिले हम। वही मिला होगा तू मार्केट में, फिर तुमने शॉपिंग करी होगी, उसके बाद पैसे भूल गई होगी वो। पैसे तुमने दिए? हाँ। पता था भाई, भाई इशू है भाई। क्या इशू है? इशू है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी वो गई है ऊपर पैसे लेने गई है, उसके बाद हम कॉफी पीने जाएंगे। 5 मिनट है ना? हाँ। तू कब से खड़ा है यहाँ पे? 2 घंटे बस भाई, सेम मेरा ही हाल था भाई। तुझे मैं बताता हूँ, इस लड़की ने मेरे साथ भी ऐसे किया। तुझे क्या बोला? डी ब्लॉक? हाँ। मुझे पता क्या बोला था भाई? एस ब्लॉक। भाई तू 2 घंटे से खड़ा, मैं 3 घंटे से खड़ा था भाई वहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ, आई नहीं है। तो मैं क्या गया, मैंने तेरे वॉचमैन से पूछा, तो वो बोलते काम की लड़की को यहाँ पे रहती है। मैं एक बार गार्ड से पूछ के आता हूँ ऐसे। अबे नहीं यार गोपाल, तू खामा का हर्ट हो जाएगा, मत जा भाई। तभी कहते हैं लड़की के मामले में यहाँ ऊपर भी सोचना चाहिए, नीचे से नहीं। बाकी तो भाई तो खुद ही समझता है ना।